हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग आए हो? आप सब ठीक होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बजे सुबह के 7:20 में ट्रेन है, तो मुझे निकलना चाहिए। अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली। आज पूरा दिन भर का ब्लॉग आपको मिलेगा ट्रेन का। यहाँ से जाऊंगा दिल्ली, दिल्ली से वापस घर, यानी सुबह जाना और शाम तक रिटर्न भी आना। मेरे स्टूडियो का ध्यान रखना और कूलर साफ कर देना। कर लो, कूलर साफ कर देना। यहाँ पे आएगा मेरा डब्बा, तो यहीं खड़ा हो जाता हूँ। ये रहा सोशल डिस्टेंस का सर्कल बना हुआ, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। फिलहाल तो मैं स्टेशन पहुँच गया हूँ। अभी टाइम हुआ 7:05, यानी अभी 15 मिनट बाकी ट्रेन आने में। मेरे घर से स्टेशन की दूरी सिर्फ 2 मिनट की लगती है बाइक से। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आज मैं रहूँगा ट्रेन में और शायद नेटवर्क मुझे नहीं मिले, तो जब मेरा वीडियो शायद आउट हो तो मैं उसे शेयर भी ना कर पाऊँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो प्ले स्टोर पर शेयर कर लेना, और ऐसा कोई सिचुएशन आए तो उस टाइम आप लोग थोड़ा सा वो होके अपने आप में शेयर कर लिया करो वीडियो, और प्लीज़ देख लिया करो। अगर मैं कभी लेट जाता हूँ वीडियो शेयर करने में, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो आया नहीं है। वीडियो आया है, यूट्यूब पर रहता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि वीडियो आया ही नहीं है। तो फिलहाल तो मैं अभी चलता हूँ स्टेशन पे, क्योंकि उस तरफ है, वहाँ मैं नहीं कर रहा ब्लॉगिंग, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी माइक वाइक की आवाज़ आ रही है, पब्लिक की आवाज़ आ रही है। तो मैं सोचा थोड़ा सा क्यों ना नॉइस बचा लिया जाए, क्योंकि दिन भर तो आज पूरा बैकग्राउंड नॉइज में मेरा शूट होने वाला। फिलहाल तो अभी उधर चलता हूँ, उधर जाकर खड़ा होता हूँ, बिकॉज ट्रेन उधर ही आएगी। मैंने बैग ले लिया, बैग में कुछ सामान ले लिया, और एक चीज़ भूल गया हूँ फिर भी, मैं ईयरफोन लाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो भूल गया मैं। ये हो ही था, ये जल्दबाजी में निकल लो तो ये होता ही है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। स्टेशन तो काफ़ी खाली पड़ा हुआ, कोई वो नहीं, उतना भीड़ भाड़ कुछ नहीं है। मेरी लापरवाही का भी कोई जवाब नहीं है। ईयरफोन तो भूला जो भूला, साथ में मास्क भी लाना भूल गया। तो फिलहाल तो यार मास्क भी नहीं रहा, मैंने ढूंढ लिया स्टेशन पर जगह, इससे काम चलाना पड़ेगा रुमाल से। सिस्टर को फ़ोन कर दिया मैंने, कहा अगर वहाँ से आएगी दिल्ली में तो एक मास्क लेते आना और खाना भी लेके आना, क्योंकि मैं खाना खा के नहीं आया हूँ, सिर्फ नाश्ता करके आया हूँ, तो दिल्ली में खाना खाऊंगा। मैंने पूरे स्टेशन का चक्कर लगा लिया, लेकिन मुझे अभी तक कहीं भी मास्क नहीं मिला, और इस चक्कर में मैं थोड़ा अपने जहाँ मेरा डब्बा आने वाला उससे बहुत दूर भी आ गया हूँ, और ट्रेन आने में सिर्फ 2 या 3 मिनट बचा हुआ, तो मुझे वहाँ भी पहुँचना चाहिए। अब मास्क नहीं मिल रहा, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा रुमाल से। वैसे वहाँ पे मास्क तो आ जाएगा दिल्ली में, मैंने फ़ोन कर दिया। बिल्कुल ऑन टाइम पे मेरी ट्रेन आ गई है, देखो बिल्कुल ऑन टाइम पे, ना लेट ना ज़्यादा। 7:18 हुए और 7:18 पर ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन स्टार्ट हो गई है भाई, और ये सवाई माधोपुर को मैंने किया बाय बाय सिर्फ 12 घंटे के लिए। 12 घंटे भी नहीं, 11 घंटे में रिटर्न आ जाऊंगा। सीट मिल गई है ट्रेन में, उतनी कोई खास भीड़ है नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ भी। अब चलता हूँ, सीट पे बैठता हूँ और सोऊंगा, क्योंकि तगड़ी वाली नींद आ रही है। रात में मैं ढंग से सोया भी नहीं, 2 बज गए एडिटिंग करते हुए, अपलोड करते हुए 3 बज गया, और फिर उठा 6 बजे, 3 घंटे फिर सोया। 2-3 दिन से मेरा कंटिन्यूसली यही चल रहा है, लेकिन फिलहाल तो मैं ईयरफोन भी भूल गया हूँ, तो टाइम पास का जरिया खत्म, तो सो के टाइम पास करना पड़ेगा। पहले सो लूँगा, फिर टाइम पास जाएगा बढ़िया वाला। बहुत दिनों बाद ट्रेन की फीलिंग ले रहा हूँ, बहुत दिनों बाद। मैंने जब से बुलेट लिया, मैंने ट्रेन पे बैठना ही बंद कर दिया, मैं सिर्फ बुलेट से ही सफर करता हूँ। फिलहाल तो भरतपुर में रुका हुआ हूँ, टाइम हो गया 9:45, थोड़ा डिले हो गया ट्रेन, भूख भी लग गई है तगड़ी वाली, तो कुछ तो मिला नहीं तो ये ले लिया है, और ये मेरी ट्रेन रुकी हुई है, सिग्नल होने वाला। अब चलता हूँ ट्रेन में, घुस जाता हूँ, वरना कहीं छूट जाऊँगा तो भरतपुर में सामान तो अंदर जाएगा, मैं भरतपुर में जाऊँगा। अब जल्दी से वेट नहीं हो रहा, अब सेजू से मिलना बहुत जल्दी, सिर्फ 2 या 3 घंटे बाद में सेजू से मिलूंगा अपनी क्यूटी पाई से। अब चलता हूँ ट्रेन के अंदर, क्योंकि मेरे हिसाब से सिग्नल होने वाला, टाइम हो गया 9:47 और सिग्नल हो गया, देखो आवाज आ गई, अब चलना चाहिए। बाय 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 जीजा, फिर तू बाय करते पापा को, बाय बाय, चलो कोई बाय बाय नहीं, चलो सीधा निकलो, 22 को जल्दी आना, अर्ली मॉर्निंग। फिलहाल तो टाइम हो गया 12:34 और अब घर वापसी। सुबह इसी ट्रेन से आया था, लेकिन D4 में आया था, अब D11 में बैठ के जा रहा हूँ। सेजू और निशा अंदर बैठी हुई है, पानी भर लिया, खाना लेके आई हूँ, खाना खाऊंगा, बहुत तगड़ी वाली भूख लग रही है। पहले तो चलता हूँ अंदर, खाना वाना खाऊंगा, भाई तगड़ी वाली भूख लग रही है। ये बदमाशी कर रही है क्या? ले पानी पिएगा? ये भरवा के लाया क्या? नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे आधा उसमें भर लिया। उसकी बदमाशी देखो स्टार्ट भी हो गई है, अब वो अभी से स्टार्ट हुई है, और वो ठेठ जब तक घर नहीं पहुंचेगी तब तक बदमाशी करेगी। रोएगी तो नहीं ट्रेन में? ये सेजू
ये किसका बोतल है? मेरा। आपका बोतल है। लाओ इसमें मैं पानी पीऊंगा, लाओ लाओ ये पानी पीऊंगा लाओ। अभी तो लगता मथुरा पहुंचने वाले हैं, लेकिन ट्रेन थोड़ा पहले रोक दिया है। ये देखो ट्रेन कैसे टेढ़ी होगी, बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल कंप्लीट टेढ़ी वाली है। देखो गर्मी से तो हालत खराब होगी, बहुत बुरी वाली है। आप सीजू को प्यास भी लग रही है बहुत तगड़ी वाली। मैं से ज्यादा मथुरा में ट्रेन रुकेगी तो पानी लेके आऊंगा, लेकिन मथुरा से पहले ट्रेन रोक दिया शायद, वहाँ पे सीजू क्लियर नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी है पहले से। तो ट्रेन तो अभी स्टार्ट हो गई है, देखो अब मथुरा में उतर के पहले सीजू के लिए पानी लूँगा। और गर्मी इतनी तगड़ी, मुझे पता था कि गर्मी ऐसी, तो यहाँ से आप ए सी बोगी में लेता टिकट यार, सिर्फ 150 रुपये एक्स्ट्रा लगता, लेकिन ले लेता उसमें यार कुछ ज़्यादा आराम मिल जाता। सीजू भी परेशान होती है गर्मी से पूरी देर से। मैं तो खाना वाना खाया उसके बाद प्यास लग रही बहुत भयंकर। तो फिलहाल तो भाई मथुरा में रुकूंगा, पानी वानी पीऊँगा और सेजू को ही पिलाऊंगा पानी। सेजू तो हद से ज़्यादा परेशान कर रखा, बहुत भयंकर परेशान। अब हम आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी घर पहुँच जाए। फाइनली घर पहुंच गए भाई, ये ट्रेन हमारी चल गई। बाय बाय भाई, आज पूरा दिन इस ट्रेन पे निकल गया और अब इससे जाएंगे घर। फिलहाल तो घर आ गए, देखो सब घर में सेजू को किस कदर से परेशान कर रहे हैं। कोई सेजू किसी को भाव नहीं दे रही, लेकिन अभी सेजू अभी किसी को भाव नहीं दे रही है, लेकिन जैसे 2 दिन होगा सेजू इतना परेशान करेगी घर वालों को कि सेजू से सब परेशान हो जाएंगे। और फिलहाल तो ये मेरा देखो रॉयल इनफील्ड का आ गया, जिसके अनबॉक्सिंग अभी करते हैं। पीछे का लगेज मंगाया, लगेज कैरियर, अब देखते कैसा आया, अगर नहीं आया होगा सही तो इसको रिफंड कर देंगे। गर्मी बहुत भयंकर बढ़ी हुई है, लैपटॉप तो अभी ऐसे पड़ा हुआ, एडिटिंग सुबह करूंगा बिकॉज मेरे पास एक वीडियो ऑलरेडी पेंडिंग में है। आज का दिन तो बहुत थकान भरा रहा है और सुबह से ट्रेन पे बैठा रहा, तो इसलिए मैंने दिन में कोई ब्लॉगिंग भी नहीं की, इधर उधर थोड़ा दोस्तों के साथ घूम लिया। अभी आया हूँ, अभी बज गए रात के 11 बज गए हैं और खाना वाना तो बाहर ही हो गया था जी, किसी के वहाँ पे इन्विटेशन था तो वहाँ चले गए थे खाना वाना खाने के लिए, तो उधर ही खा पी के फिर तो दोस्तों के साथ बैठ के चाय वाय पी, पुराना मोर को एक्सप्लोर किया, मतलब घूमे, उस पर नाइट का व्यू देखा, लेकिन उसको ब्लॉगिंग नहीं किया उस टाइम। ऐसे अच्छा लगा ब्लॉगिंग करना, बहुत अंधेरा लग रहा था। तो फिलहाल तो भी सब लोग छत पे बैठे हुए हैं, तो मैं भी वहीं चलता हूँ, थोड़ी देर बैठूंगा, हाथ पैर थोड़े से मालिश करवाऊंगा बिकॉज दर्द कर रहा, ट्रेन पे बैठे बैठे बहुत तेज दर्द होने लग गया। और सुबह मैं उठूंगा एडिटिंग करने के लिए इस ब्लॉग की। तो फिलहाल तो अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि थकान बहुत ज्यादा हो गई। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, बगल में जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन करके रखना ताकि वीडियो हमारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए बिना किसी रुकावट के। तो अभी के लिए तो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।